मध्य प्रदेश में मंगलवार को चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर देश भर में 10 नई वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। मध्य प्रदेश में ये ट्रेन खजुराहो से चलकर हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 85,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। विकास में मैं गति को धीमी होने नहीं देना चाहता। गुजरात के दहेज में 20,000 करोड़ से बनने वाले पेट्रोल प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन हुआ है। पीएम ने कहा कि हमारे काम को कुछ लोग चुनावी चश्मे से देख रहे हैं, जबकि ये काम देश के विकास के लिए है। आज रेलवे डिपो शेड, लोको शेड, रेलवे डिपो का भी लोकार्पण हुआ। भारत में 350 आस्था ट्रेनों से 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। ये सफर अब जारी रहेगा। मोदी की गारंटी है, खजुराहो हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ कार्यक्रम में खजुराहो में सांसद वीडी शर्मा भी उपस्थित हैं। इधर भोपाल रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के सुंदर ध्येय वाक्य के साथ रेलवे के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, यद्यपि यह पूरा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के लिए आयोजित किया जा रहा है, रेल हमारे अपने भारत में खास करके आधुनिक समय में या अतीत के काल में 19वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी में पूरे देश का भाग्य बदलने में अगर किसी ने बड़ा योगदान अदा किया है तो वो रेलवे है। एक और खास बात महत्व की ये भी है कि भारत की रेलवे, जब रेल शुरुआत हुई, उदाहरण के लिए हमारी अपनी ये भोपाल की रेल, यहाँ की रानी ने 40 लाख रुपया दे करके अंग्रेजों के माध्यम से पहली बार नर्मदा पार करने के लिए इटारसी तक की लाइन चालू कराई। इसके पहले यह संभव नहीं था कि पहाड़ों को फोड़ करके कोई रास्ता बन सकता है। अतीत के प्रवाह में हमारा अगर नर्मदा पार करने का रास्ता था वो केवल निमाड़ के रास्ते, उज्जैन इंदौर के बाद से ही निमाड़ के बगल में और बाजीराव पेशवा से लेकर सभी लोग उसी मार्ग से नर्मदा पार करते थे, और केवल यहां नहीं, ऐसे अनेकानेक जगह। लेकिन विकास के मामले में रेलवे ने वाकई अद्भुत काम किया है।